अगर आप सेंसर बोर्ड की कैची देखें तो तमाम फिल्म मिल जाएंगी। सभी के पीछे मजहबी चश्मा है। शाहरुख की फिल्म जीरो का ट्रेलर विवादों में आ गया था। आरोप लगे कि फिल्माए गए दृश्यों से सिख धर्म की भावना आहत हुई, क्योंकि शाहरुख ने हाथ में कृपाण पहन रखा था। बाद में सीन पर कैची चली। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर सेंसर बोर्ड की कैची चली। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ गंगूबाई की बातचीत को दर्शाने वाला एक सीन को बदल दिया गया। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से सेंसर बोर्ड ने 8 सीन हटवाए थे। वजह थी डबल मीनिंग डायलॉग। फिल्म सन ऑफ सरदार पर सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। विरोध के चलते कई डायलॉग्स को फिल्म से हटाया गया था। फिल्म उड़ता पंजाब पर विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने 94 कट और 13 करेक्शन करवाने के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था। सलमान खान की फिल्म राधे से भी रिलीज से पहले 6 सीन हटवाए गए थे। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का टाइटल पहले रामलीला रखा गया था, लेकिन विरोध के चलते नाम बदला गया। पद्मावत का भी नाम बदला गया। सेंसर बोर्ड के आदेश के बाद इसका नाम बदला गया। आरोप था कि इस फिल्म के निर्माताओं ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें गलत तरीके से पेश किया। दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर आपत्ति थी, जिसके चलते कपड़े बदले गए। फिल्म सेक्सी दुर्गा के टाइटल को लेकर जमकर बवाल मचा था। बाद में सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम एस दुर्गा करवा दिया था। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 21 ऑडियो कट लगाते हुए इसे यूए सर्टिफिकेट मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार शाहरुख की फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैची चली है। मतलब ये कि हम बात अभिव्यक्ति की आजादी की करते हैं, लेकिन कभी धर्म तो कभी मॉरल पुलिसिंग के नाम पर इस आजादी पर अंकुश लगा देते हैं। कई बार सेंसर बोर्ड की वर्किंग स्टाइल पर उंगलियां उठी है, क्योंकि कब मजहबी भावना आहत हुई कब नहीं, इसके बीच बहुत बारीक सी रेखा है। कई बार कट्टरपंथी सोच की खींची हुई लकीर पर सेंसर बोर्ड की कैची चलती है। सवाल है, ऐसा कब तक चलेगा? आज तक पे रुक।